एक के बाद एक ये ट्वीट दानिश कनेरिया ने किए हैं। पाकिस्तान के लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने राम मंदिर भूमि पूजन को दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ऐतिहासिक दिन बताया था। दानिश कनेरिया ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि आज दुनिया भर के हिंदुओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। भगवान राम हमारे आदर्श हैं, हम सुरक्षित हैं और किसी को भी हमारे धार्मिक विश्वासों से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रभु श्री राम जीवन हमें एकता और भाईचारा सिखाते हैं। जय श्री राम कहते हुए पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा कि भगवान श्री राम की सुंदरता उनके चरित्र में निहित है, उनके नाम में नहीं। प्रभु श्री राम जीत के प्रतीक हैं। आज दुनिया भर में खुशी की लहर है, यह बहुत ही संतोष का क्षण है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। दानिश कनेरिया के ट्वीट करने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया को अपना एक ट्वीट डिलीट करना पड़ा। पाकिस्तान के लिए खेलने वाले हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने टाइम्स स्क्वायर पर श्री राम की फोटो को भूमि पूजन के बाद पोस्ट किया था। बताया जा रहा है कि इस ट्वीट के बाद कनेरिया के फैंस ने उन्हें सुरक्षित रहने की हिदायत भी दी थी। वहीं कनेरिया के ट्विटर हैंडल पर अब टाइम्स स्क्वायर पर श्री राम की फोटो वाला ट्वीट मौजूद नहीं है। बता दें कि दानिश कनेरिया पिछले साल दिसंबर में अचानक चर्चा में आए थे जब पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज सोवे अख्तर ने दावा किया था कि कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर कनेरिया के साथ खाना खाने में भी हिचकिचाते थे क्योंकि वो हिंदू हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।